नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमल। हर सुबह का आगाज़ होता है अच्छी बात के साथ, और आज की सुबह का आगाज़ इस बात के साथ करेंगे कि जब हुस्ने सलूक की बात की जाती है तो ये एक इंसान की बेहतरीन खूबी है, और ये एक ऐसी खूबी है जो लोगों के दरमियान मोहब्बतों में इजाफा करती है। जब आपका इखलाक अच्छा होता है, जब आप लोगों से अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो लोग आपको ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि आपसे आपका जो कंफर्ट लेवल है वो उनके लिए बढ़ जाता है। दिलों से नफ़रतें ख़त्म हो जाती हैं, कदूरतें ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ अपने हुस्ने सलूक की वजह से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और लोग उनसे मिलना जुलना, उनसे रख रखाव करना पसंद करते हैं। अब और हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी मुश्किल हमारी हल हो जाती हैं जब हम किसी से अच्छा इखलाक रखते हैं, किसी के लिए अपने दिल में बुराई नहीं रखते। जैसे कि बहुत दफ़ा होता है ना कि हम ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और अक्सर हुआ है कि जब मैं भी ड्राइव कर रही होती हूँ और साथ वाले अक्सर हमारे, क्योंकि जो बाइक पे भाई होते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो उनको बड़ा मसला होता है कि जनाब हमें गुजरने दें। लेकिन आप जब गाड़ी में होते तो आप भी रेस तेज़ कर देते कि मैं इस शख्स से पहले निकल जाऊँ। लेकिन आप कभी ये आजमा के देखिए कि आप कभी जो जल्दी में जा रहा है उसको जाने के लिए एक इशारा ही कर दीजिए कि तुम चले जाओ, मैं बाद में चले जाऊँ। आप देखिएगा कि जब हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाएगी, जब हम ये करने लगेंगे, जब हमारे अंदर ये पेशेंस आ जाएगा कि ठीक है, अगर हो सकता है वो किसी इमरजेंसी में हो, सब नहीं होंगे, लेकिन अगर हम अपने तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपना इनपुट अच्छा डालने की कोशिश करेंगे, हमारा अखलाक अच्छा होगा, तो सामने वाले को कुछ एहसास ज़रूर होगा कि देखो इसने मुझे जाने दिया, इसने मुझे रास्ता दिया। या कोई भी चीज़, किसी के लिए आप आसानी पैदा करें, किसी से अच्छे तरीके से बात करें, ये सब आपके लिए हुस्ने सलूक है। और आप जब ये करेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, खुश अखलाकी से पेश आएँ, अच्छे तरीके से लोगों से मिलें। आप अक्सर हम कहते हैं कि एक स्माइल ही बहुत होती है। आप यकीन करें, जब आप किसी से मिलके उसको स्माइल करके बात करते हैं तो आप उसको इतना अच्छा लगता है कि आपसे लोग आपके फ़ैन्स हो जाते हैं, आपसे लोग मिलना पसंद करते हैं। तो खुश अखलाकी से मिलिए, हुस्ने सलूक से मिलिए, और लोगों के साथ अपना रवैया अच्छा रखिए ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी रहे और आपके अमल से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। इसी बात के साथ आज के शो का आगाज़ करते हैं और नज़र डालते हैं कि हमारी जो मौसम की सूरत हाल है वो कैसी है और मौसम कहाँ कहाँ पर कैसा है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं लाहौर का। तो लाहौर में मौसम बहुत खुशगवार है, बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। कल परसों बारिश होती रही, आज बारिश थम चुकी है और काफ़ी बेहतर हो गया है मौसम। तो कम से कम दर्जा हरारत पर आप नज़र डाल ही रहे, 7 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके बाद रुख करेंगे इस्लामाबाद का। तो इस्लामाबाद की सूरत हाल कुछ यूं है कि इस्लामाबाद में अभी तक रिमझिम का सिलसिला नहीं रुका है और बारिश का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद रुख करेंगे कराची का। तो कराची में तो सूरज निकल चुका है और जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी हैं, सर्दी अभी भी बरकरार है। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है आज। उसके बाद रुख कर लेते हैं पेशावर का। तो पेशावर में जनाब ठंड यकीनन है और बहुत ज़्यादा है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहेगा 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और पेशावर के बाद हम रुख करते हैं कोयटा का। तो कोयटा पर नज़र डालते हैं। कोयटा में पारा -3 तक अभी भी बरकरार रहेगा। बहुत ज़्यादा ठंड थी और उस ठंड को कम होने 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 में अभी कुछ और मज़ीद वक्त लगेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहेगा 7 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा के बाद हम रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर का। वहाँ पर कल जैसा ही मौसम है, सेम टेम्परेचर -3, कम से कम दर्जा हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। तो खूब अभी वहाँ पर सर्दी है, अगरचा सूरज निकल चुका है लेकिन उसके बावजूद ठंड बरकरार है। और हमेशा की तरह फिर वही बात करेंगे कि आपने ठंड में अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, कवर करना है, एहतियात करना है, क्योंकि अब सीज़न चेंज होने की तरफ भी जाएगा कुछ ही हफ़्तों में, मौसम बदल भी सकता है। तो जो नज़ला, खांसी, बुखार, जो गला ख़राब वाली कैफियत होती है, वो सबको एक वायरल इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं। तो उसमें आपने खासी केयर करनी है और अपने आप को कवर रखें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, कावों का इस्तेमाल करें,
तो आप जो फिर बाद में हमें अद्वियात लेनी है उनसे बच सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा भी गला ख़राब है तो मैं भी गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि उसे बेहतर करे, सूदिंग मिले, सूद हो आपका गला। हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान और उन मेहमान का तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं MD टूरिज्म डिपार्टमेंट तनवीर जब्बार साहब। वेलकम टू द शो तनवीर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे कि हम ये जो जीप रैली की बात करते हैं, 15वीं रैली हो रही है और अब सबसे अच्छी बात यह कि इंटरनेशनल रेसर्स भी आते हैं, क्योंकि 15वीं रैली हो रही है, क्या नया होगा इसमें? सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और ख़ास तौर पर पंजाब टूरिज्म को ये मौका मिला कि चोलिस्तान जीप रैली के हवाले से बातचीत कर सकें। जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान कूलेस्ट डेस्टिनेशन है, पाकिस्तान के बारे में टॉप रैंकिंग में आ रहा है, ख़ास तौर पर जो रॉयल विज़िट था यहाँ पर उसके बाद ब्रिटिश ने जो इसको पॉजिटिव एडवाइजरी जारी की, दिस इज़ वेरी गुड फॉर अस। एक जो टैग लगा हुआ था हमारे ऊपर एक दहशतगर्दी का, उससे अब कूलेस्ट डेस्टिनेशन, एंड क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर पंजाब। चोलिस्तान जीप रैली बहुत मज़े की इवेंट है, 2005 से हमने एक सफ़र शुरू किया, आज इंशाल्लाह हम 15वीं रैली पे आ गए हैं, 15 साल हमने मुकम्मल किए हैं। और साउथ पंजाब रिलीजियस डेस्टिनेशन के तौर पर मशहूर है, यहाँ पर पोटेंशियल है, आपका हेरिटेज बहुत इसका यूनिक है, और सबसे बड़ी बात डेजर्ट टूरिज़म ख़ास तौर पे हमारे बहावलपुर में अभी हमने एक थल भी एक एक्सरसाइज की। एंड रमशा, इतना ये खूबसूरत इवेंट है कि इस वक्त तमाम ज़िले के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर्स जो हैं और इसके अलावा जो सूबाई हुकूमतें हैं, वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि इसको हम लाएँ। एग्जैक्टली वाई? बिकॉज इसकी एक सोशियो इकोनॉमिक आइकन बन गया ये। इट्स नॉट रैली, बेसिकली वेन यू ट्रेवल टू बहावलपुर तो आप रास्ते में मुल्तान विज़िट कर सकते हैं, शराइन विज़िट कर सकते हैं शाहरुख ने आलम की, एंड आफ्टर दैट यू कैन प्रोसीड टू बहावलपुर। बहावलपुर के अंदर यूनिक पैलेसेस हैं, यू कांट सी इट हेयर, और उसके बाद वहाँ के एक यूनिक कल्चर है, एक लैंग्वेज है वहाँ की, और वहाँ से जब आप ट्रेवल करते हैं चोलिस्तान में, बहुत खूबसूरत डेजर्ट है, चोलिस्तान तो वैसे ही जाना, बहुत खूबसूरत डेजर्ट है, लेकिन मुझे अब डर लग रहा है कि वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रीन होना शुरू हो गया, बिकॉज वहाँ पर रोड डेवलप हो गए हैं, वहाँ पर बिजली आ गई है, वहाँ पर पानी आ गया, थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जैसी ही रैली हुई है। और अब दरावड़ फोर्ट जो कि 9वीं सदी में बना था और बहुत बुरी हालत में था, अब वहाँ पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसकी रिहेबिलिटेशन भी शुरू कर दी है। एनीवे, ये रैली खाली रैली नहीं है बल्कि ये एक आइकन है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इस, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पाकिस्तान की पहली डेजर्ट रिजॉर्ट डेवलप की है TDCP ने, थैंक्स टू नवाब फैमिली जिन्होंने हमें वहाँ पे जगह दी। लेकिन ये एक रिजॉर्ट नहीं है, वहाँ पे एक आर्मी की भी रिजॉर्ट है, इसके अलावा वहाँ पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी, उन्होंने भी एक अपना ऑफिस डिवेलप किया, तो डिवेलपमेंट वहाँ पर हो रही है। और हमें उसको, चूँकि वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन आ गई है, वो एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनती जा रही है, तो हम इसको थोड़ा सा इस दफ़ा उसको ऑनवर्ड ले गए, डेजर्ट टीप में ले गए। ठीक है, तो अब ये बताएं कि शुरू कब से हो रही है रैली, तैयारियाँ मुकम्मल हो गई हैं, ऑल सेट है, क्योंकि अब कुछ ही दिन आई थिंक रह गए, कब से स्टार्ट हो रही है रैली? जी, रैली 13 तारीख से इसका स्टार्ट होगा, शो फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड ड्राइवर्स विल मूव टू डेजर्ट ऑन 7th। ठीक है, रात ही मेरी बात हुई है नादिर मक्सी साहब से, टोल्ड मी के तमाम ड्राइवर 7 तारीख को आएंगे और वो पूरी स्किल अपनी यूज़ करेंगे, और वहाँ पे पूरे डेजर्ट के अंदर उन्होंने कैंप्स लगा देने हैं, और कैंपिंग जो है वहाँ पे वेन्यूज़ डिसाइड हो गए हैं, और तकरीबन प्राइवेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा हैं, हमने एक सब्सिडाइज पैकेज भी दिया है यहाँ पर। तो अच्छा, ये जो ट्रैक है ये कितना लंबा होता है जिस पर रेस होती है, और किस तरह का होता है, हर्डल्स वगैरह आप लोग बनाए जाते हैं, नेचुरल होता है ये ट्रैक? ये ट्रैक जो है इसके लिए बाकायदा एक कमेटी डेवलप है, दैट स्टार्टेड फ्रॉम तकरीबन 200-250 से हमने शुरू किया था, लेकिन पिछले साल से हमने इसको 500 किलोमीटर कर दिया, और ये 3 इजला पे मुश्तमिल है, और बेसिक मकसद इसका ये है कि वहाँ दरमियान में जो फोर्ट्स आ रहे हैं वो भी डिस्प्ले हों, वो भी शोकेस हों। तो ये इसमें 2 मराहल होते हैं, एक स्टेज 1 होती है जिसमें ऑलमोस्ट 225 ट्रेवल करते हैं, और नेक्स्ट डे दूसरी स्टेज होती है, और जो दोनों स्टेज में क्वालिफाई करता है इज द विनर। जबरदस्त, तो अब क्योंकि इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि रैली होगी और इतना कलरफुल इवेंट होता है डेजर्ट के अंदर, बड़ा मज़ेदार होता है, क्योंकि अभी तक तो हम यहीं पे टीवी पे ही उसको देख सके, तो जो फैमिलीज वगैरह जाना चाहती हैं वो कैसे जा सकती हैं, और उनके लिए फिर स्टे वगैरह ये रिजॉर्ट्स इसीलिए बनाए गए या कोई अल्टरनेटिव्स भी होते हैं? ये एक यूनिक एक्सपीरियंस है फैमिलीज के लिए, हर
طبقہ فکر، ہر گروپ کے لیے، ہر ایج کے لیے ایک یونیک فیسٹیویٹی ہے۔ بلیو می رمشا، وہاں پر آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، سو میں پیکڈ ہوتا ہے، پیکڈ، فلی پیکڈ۔ لیکن فیملیز کے لیے ہم نے اپنی ریزورٹ کے اندر پورا کیمپنگ سیٹ ڈیولپ کیا ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے، بچوں کے لیے پوری ایکٹیویٹیز ہیں۔ اور جو سب سے خوبصورت اس کی ایکٹیویٹی ہے، وہ 15 تاریخ کو ہوگی، وہ شام کے ٹائم، وہ ہے کلچرل نائٹ۔ کلرفل ڈریسز میں وہاں کے تمام لوکل جو آرٹسٹ ہیں وہ آتے ہیں وہاں پہ، اور اس کے علاوہ ہم اس کے اندر جتنی وہاں کے جو بہاول پور کے آرٹسٹ ہیں، اور خاص طور کچھ ہم لاہور سے بھی لے کے جاتے ہیں، تاکہ نیشنل ایونٹ ہے، تاکہ وہاں پہ آپ کو تمام بلینڈ ملے۔ لیکن یہ کلرفل ایونٹ ہوتی ہے، جس میں تمام ان کے اور ان کے جو انسٹرومینٹس ہوتے ہیں وہ بڑے وہاں کے لوکلی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز آپ وہاں پہ، اور خاص طور پہ ڈیزرٹ میں بیک پہ آپ کے دراوڑ فورٹ ہوتا ہے اور شام کا سما ہوتا ہے، تو تھنک آف دیٹ۔ انتظامات کے حوالے سے بتائیے گا تنویر صاحب کے کس طرح سے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک تو آپ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں نا، ریزورٹ بھی اب بن رہا ہے، اور پھر جب فیملیز آتی ہیں تو ان کو بالکل الگ طریقے سے کیمپنگز ہوتی ہیں، باقی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو سیکیورٹی وغیرہ پھر پراپر آپ لوگ اس حوالے سے رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ڈیزرٹ میں سارا ایک شہر بسانا ہوتا ہے آپ کو۔ رمشا، یہ کوئی 5-star ہوٹل تو ہے نہیں، بالکل ڈیزرٹ، آپ کو رف اینڈ ٹف رہنا پڑتا ہے، پانی کی کمی ہے۔ اور دوسری ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ پانی کا استعمال وہاں پہ کم سے کم کریں، کیونکہ شارٹیج ہے وہاں پہ، ڈیزرٹ ہے۔ سیکنڈ، الیکٹریسٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ، صحیح۔ کیمپنگز بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا کہ انتظامات میں، ٹی ڈی سی پی اکیلے اس ایونٹ کو نہیں کر سکتی، صحیح۔ ہمیں بھرپور تعاون حاصل ہوتا ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا، ہمیں بھرپور تعاون حاصل ہوتا ہے پاکستان آرمی کا، رینجرز کا، پولیس کا۔ سیکیورٹی از نو ایشو، ایون ناٹ ان ڈیزرٹ، بلکہ پاکستان سیکیورٹی کا 2005 سے لے کے آج تک کبھی بھی ایشو نہیں رہا اس ریلی کے دوران، اور ماشاء اللہ اب تو پورے پاکستان میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اینڈ سیکنڈلی، میں آپ کو اس موقع پہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سلسلے میں ساؤتھ پنجاب میں ملتان کے لیے اور بہاول پور کے لیے ڈبل ڈیکر بسز کا بھی اجرا کر رہے ہیں ہم، اس کے ٹرمینل وغیرہ کے لیے زمین لے لی گئی ہے۔ کوشش میں کر رہا ہوں کہ جتنی جلدی ہو سکے، لیکن ہوپ فلی اسی سال میں وہ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے کچھ کلچرل ایونٹس کی بات کی تھی، تو آتش بازی بھی ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ، تو وہ کس طرح سے پلان کرتے ہیں کلچرل نائٹ میں؟ اور کیا کیا ہوتا ہے؟ آتش بازی میں اکیلے نہیں کرتا، وہاں پہ ڈیزرٹ کے اندر لوگ جو ہیں انہوں نے بھی مینج کروائی تھی، لیکن جو میجر شو ہے آتش بازی کا، وہ کلچرل نائٹ کے دوران ہوتا ہے، 15 تاریخ کی شام کو۔ اس کے علاوہ جو ہماری ریزورٹ ہے وہاں پر بھی ہم نے ایک فیسٹیویٹی کی ہوتی ہے، اسکرین لگی ہوتی ہے، آپ لائیو ٹی وی دیکھ سکتے ہیں واٹس گوئنگ آن، اس کے علاوہ میچز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہاں پہ آپ جو کلچرل پرفارمنس ہے جو چھوٹی چھوٹی ہے، بون فائر کے ساتھ آپ باربیکیو اور دوسری چیزیں وہاں پہ لوگ مینیج کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اٹس اے ونڈرفل شو۔ لیکن جو مجھے سب سے، آئی ہیو دا آنر ٹو ارینج 5-6 ریلیز ایز جنرل مینیجر آپریشنز، تو مجھے بڑا فخر ہے اس پر، بیکاز جب میں وہاں پہ دیکھتا ہوں لوگوں کو جن کو روزگار ملتا ہے، جو پورا سال اس کا انتظار کرتے ہیں نا، اب ان کے لیے یہ ایک عید کا فیسٹیول ہے، وہ وہاں پر پیسے اکٹھے کر کے پورا سال وہاں پہ ان کے گھر جو ہیں وہ کرائے پہ دیتے ہیں لوگوں کو، بٹ ان اسپائٹ آف آل دیز ارینجمنٹس آپ اکوموڈیشن پوری نہیں کر پاتے، اتنا رش ہوتا ہے۔ بیکاز آپ جب یہ پہلی ریلی ہوئی تھی تو اس وقت کیمپس نہیں ملتے تھے، آج بہت سارے لوگوں نے اس کے لیے، صرف اس ایونٹ کے لیے ارینج کیے ہوئے کیمپس، اور وہ آ کے ہمیں اپلائی کرتے ہیں اور وہاں پہ کیمپس لگاتے ہیں، اور اس کے باوجود پورے پاکستان سے کیمپس آتے ہیں، لیکن پھر بھی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ جو پروجیکشن ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے، اور الحمدللہ کیونکہ اویئرنیس بھی آ رہی ہے کہ یہ اسپورٹ بھی ہے اور بہت مزیدار ہے، تو آپ لوگ اس کو اور کس طرح سے پروموٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ کیا کیونکہ جب یہ ایونٹ ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، تو پروجیکشن کس طرح سے ہوتی ہے؟ آلریڈی ہم لوگ میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں، اس کے علاوہ کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں، آپ لوگ جن کو بلاتے ہیں وہاں پہ، کون کون لوگ ہوتے ہیں، یوٹیوبرز وغیرہ ہیں، باقی اور لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں وہاں پہ؟ رمشا، سوشل میڈیا پہ بہت آن ہے اس وقت یہ، اور فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پر بھی، اور آپ لوگ جیسے پروگرام کرتے ہیں اس سے ماشاء اللہ اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، تھینکس ٹو آل دا میڈیا۔ لیکن اس موقع پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے انٹرنیشنل کی بات کی، پراپرلی انٹرنیشنل ابھی تک یہ اس طرح ہوا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے، لیکن سب سے پہلے اس کے لیے ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے ریگولیشنس انٹرنیشنلی ہوں۔ سو آئی کانٹیکٹ ود ایف آئی اے، فیڈریشن آف انٹرنیشنل آٹوموبائلز، جو یہ ڈکار ریلی وغیرہ کرواتے ہیں، ان کی گائیڈنس میں، ان سے رہنمائی لیتے ہوئے میں نے سب سے پہلے ریگولیشنز بہتر کیے، ان کو نوٹیفائی کیا، پبلش کیا باقاعدہ طور پہ۔ سیکنڈ، ہم نے
उनसे बात की। अभी डकार रैली जो है फरवरी में हमारी जो डेट्स हैं तकरीबन एक जैसी हैं, सही है। तो उसके बाद उनकी ऑब्जर्वेशन वाली टीम आएगी, लेकिन दुबई से ईरान से हमें 7-8 ड्राइवर्स ने अप्लाई किया है। और सबसे अच्छी बात ये कि पहले बहुत प्रॉब्लम्स थे, कस्टम्स के साथ हमने मिलकर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे अब जो फॉरेनर्स आएंगे उनको अल्हम्दुलिल्लाह अगले साल इससे बेहतर होगा। बिल्कुल, तो बात ये है ना कि देखें हर साल एक स्टेप फॉरवर्ड हम कर रहे हैं और आगे जाके हमने और इसको मजीद बेहतर करना है। और अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल वो बढ़ता जा रहा है, पहले एक बहुत छोटा इवेंट था, बहुत महदूद था, लेकिन अब ये 15 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अब इंटरनेशनली भी जो है वो रिकग्नाइज होता जा रहा है। एक चीज़ मैं ऐड करूँगा रमशा, बड़ी मज़े की, और वो ये है कि हमने वहाँ पर बहुत डिमांड थी हमें कि मोटर बाइक्स के लिए करें, तो हमने पहली डर्ट बाइक, डेजर्ट डर्ट बाइक का इस दफा आगाज किया। सो दिस इज 15 साल मुकम्मल होने पे ये एक उसमें चले, ये तो एक और जो है वो सरप्राइज आज तनवीर साहब ने बता दिया शो के अंदर, तो आप सबके लिए एक और एक्साइटमेंट लेवल। बाइकर्स जो है वो खासे खुश हो गए होंगे, चले जनाब उनको भगाने की जो जगह मिल गई डेजर्ट में, बड़ा मजा आता है। खैर इस तरह के इवेंट्स में बहुत कलरफुल है, बहुत रिच है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन द शो और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर योर इवेंट, बहुत ज्यादा अच्छा हो और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन हो और लोग पाकिस्तान आए और यहाँ के कलर्स को देखें।